दोस्तों आज के वीडियो में हम आधार कार्ड से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना सीखेंगे। गूगल में आयुष्मान कार्ड डाउनलोड सर्च करेंगे। नीचे PMJAY कार्ड BIS लॉगिन पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आपको ऑप्शन दिखाई देंगे लॉग इन रजिस्ट्रेशन डाउनलोड, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां लॉगिन में बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करेंगे, नीचे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई के बाद ओथ मोड में मोबाइल OTP को सेलेक्ट करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा, उसे दर्ज करेंगे। उसके बाद नीचे दिए हुए कैप्चर को फिल करेंगे। कैप्चर फिल करते ही लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। आवेदक को स्कीम के अंदर PMJAY ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आवेदक का स्टेट सेलेक्ट करना है। सब स्कीम के अंदर PMJAY ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आवेदक का जिला सेलेक्ट करना है। सर्च बाय के अंदर आपको समग्र ID, आधार कार्ड, नाम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ID, काफी ऑप्शन उपलब्ध है। हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। अब आवेदक का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालते ही सर्च बटन आएगा, उसे पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर से जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। आपने जिस आवेदक का आधार नंबर दर्ज किया था उसका नाम इस लिस्ट में ढूंढेंगे और लास्ट में डाउनलोड का साइन है, उस पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर X के रूप में दर्ज है, आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद अलाव पर क्लिक करना है। आधार के वेरिफिकेशन के लिए आपको 3 ऑप्शन उपलब्ध है, मोबाइल OTP, हाथों के अंगूठे से और आंखों के स्कैन से आप आपका आधार वेरीफाई कर सकते हैं। हम यहां पर आधार OTP का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा, उसे दर्ज करेंगे और जिस मोबाइल नंबर से पोर्टल पर आपने अभी लॉगिन किया है उस पर भी 6 अंकों का OTP आएगा, उसे भी दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करते ही ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी। अब आपको ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आवेदक का नाम, आवेदक के आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक, आवेदक की फैमिली ID और सदस्य ID दिखाई देंगे। चेक करें कि आपने सही आवेदक का आयुष्मान कार्ड निकाला है। फोटो के ऊपर आपको लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स का निशान दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और डाउनलोड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आप अपने आयुष्मान कार्ड को सेव कर लेंगे। दोस्तों अब आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहा हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो YouTube पर जाकर हमारा चैनल @free के नॉलेज को सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी अपना आयुष्मान कार्ड आसानी से निकाल सके और योजना का लाभ ले सके।